हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है इंग्लिश प्रोपोजिशंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे। ये बेसिकली एयरफोर्स के यूनिफॉर्म पर्सन और सिविलियन पर्सन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके प्रीवियस पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब ये क्वेश्चन कौन सा है ये बारी बारी सारे देखेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सन के लिए, ये जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं एयरफोर्स के उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखें, देयर वाज नो हेयर डैश द थ्रोन। तो इसका बेस्ट आंसर है बी, क्योंकि इसमें टू आएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखें, वी कैन कंपेयर लाइफ डैश या ड्रामा। अब वो लाइफ का पूछ रहा है कि किससे कंपेयर की जाती है, एज ए ड्रामा है। तो इसका बेस्ट आंसर है ए, टू, क्योंकि हमेशा टू लगते हैं जब किसी के साथ कंपेरिजन करना होता है। तीसरा देखें, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 rupees डैश दिस बुक। कि शॉपकीपर ने 10 rupees मेरे से चार्ज कर लिए इस किताब के ऊपर। तो अब इसमें फॉर आएगा, क्वेश्चन नंबर सी, थ्री का है सी, क्योंकि फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए। तो ही इज नॉट लिविंग डैश मीन्स डैश सॉरी ही इज नॉट लिविंग डैश हिज मीन्स कि इसमें वो अपने हिसाब से नहीं देता। अब इसमें क्या आएगा, फॉर इन विद इन फॉर। तो इसका बेस्ट आंसर है विद इन हिज मीन्स कि मतलब किसी के साथ वो उस मायने में नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, असलम इज़ नॉट नोन डैश माई ब्रदर। असलम मेरे भाई को नहीं जानता। अब इसमें किस को नहीं जानता, डैश इसीलिए पूछ रहा है। तो फाइव का है डी, टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग एनीथिंग, कि वो कोई भी चीज़ करने के कैपेबल है। अब इसका बेस्ट आंसर है डी, अबाउट डूइंग कैपेबल। अब इसमें बेसिकली यहाँ पे कैपेबल ऑफ भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है, इन भी लग सकता है। तो अबाउट इसका मोस्ट सूटेबल है। आरफा हैज़ बीन फुली क्रोडैश द क्रोनिक पेन इन हर लेग्स। अब इसका बेस्ट आंसर है डी, सेवन का डी, इसमें ऑफ लगेगा। उससे क्वेश्चन नंबर एट देखें, आई वॉज अमेज डैश हिज मिस बिहेवियर। तो इसका है ए, एट हिज बिहेवियर, ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks, कि वो 2 हफ्ते से बीमार है। अब इसमें क्या आएगा, बाय ऑन विद आवर। तो इसमें आवर लगेगा, आवर हिज। अब यहाँ पे विद हिज भी आ सकता है लेकिन आवर ज़्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ही इज लक्स डैश मॉरल। तो इसका बेस्ट आंसर है ए, इन हिज, इन मॉरल। द रेन एज हैव सेट डैश, इसका इन आएगा। स्लीम अज्यूम्ड अस डैश डैट डैश जोक्स, तो इसका है बी, विद जोक्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग, तो इसका सी बेस्ट आंसर है, ऑफ। 14 देखें, ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks। अब इसमें भी विद आएगा, क्योंकि जैसे ऊपर वाले में विद था इसी तरह इसमें भी विद आएगा। तो ये बच्चे 14 सवाल थे प्रोपोजिशंस के। इंशाल्लाह जो अभी पेपर आएंगे एयरफोर्स के उसके अंदर आपको ये मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रोपोजिशन से रिगार्डिंग। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा इस पर मैं वीडियो बना दूँ। तो फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह मुझे मैसेज करें, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।